हेलो एवरीवन, एडुबेस फाउंडेशन का ये एजुकेशनल चैनल और समय और टाइम है लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का। आज सब हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में जैसे एक महत्वपूर्ण तथ्य अभी सामने आया था, नमस्कार। कुछ लोग गले मिलते हैं, कुछ जफियां पाते हैं, सब अलग अलग तरीके से कहना चाहिए कि ग्रीट करने का तरीका लोगों का है, लेकिन सिर्फ हिंदू संस्कृति के अंदर दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने की प्रथा है। आज हम जानते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। हमने इससे पहले जाना था कि किसने कहा कि हिंदुत्व के आगे एक ना एक दिन जरूर झुकना पड़ेगा सबको, और वो झुकने की परिभाषा क्या है, हमने लास्ट वीडियो में ही जाना था। और आज की वीडियो में हम जानते हैं हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म दुनिया का प्रथम धर्म है। वेद इस धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धर्म की परंपरा और ज्ञान के पुनर्स्थापक हैं। आदि शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ ने मध्यकाल में इस धर्म के बिखरे ज्ञान और समाज को पुनः स्थापित किया। दुनिया के सभी धर्मों और परंपराओं का जन्मदाता वेद ही है। वेद संसार की प्रथम पुस्तक है। ध्यान से इस वक्तव्य को ध्यान रखें कि वेद ही एकमात्र प्रथम पुस्तक है संसार की। इस पुस्तक से ही दुनिया की सभी पुस्तकों का आगे चल के जन्म होता है, या उसमें से उन जानकारियों को छोटा छोटा एकत्र करके बाकी पुस्तकें बनी हैं। वेद अनुसार कोई भी प्रथम और कोई भी अंतिम नहीं है, सभी अनादि और अनंत हैं। भगवान वही होता है। अब भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान वही होता है जिसने मोक्ष के परम शिखर को छू लिया। ईश्वर, परमेश्वर या ब्रह्म को भगवान, अवतारी या देवता नहीं कहते हैं। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ पंथ, कर्तव्य, नियम, मत, संप्रदाय, कल्ट, रिलीजन, दीन, श्रद्धा, गुण, संस्कार, स्वभाव, फेथ, मजहब, जिहाद, क्रूसेड, युद्ध और व्यवस्था निकालना उचित नहीं है। धर्म एक रहस्य। धर्म का अर्थ अभी आपने जाना कि ये है या नहीं अपने विवेक का प्रयोग करके। गुण, संस्कार, स्वभाव, फेथ, सब अपने अपने तरीके से इसका अर्थ लेते हैं। कोई इसको अपना रिलीजन कहता है, कोई इसको पंथ कहता है, कोई इसको युद्ध के रूप में ही कह लेता है। धर्म एक रहस्य। हिंदुत्व के अनुसार, अब मैं बात कर रही हूँ कि धर्म हिंदू सनातन हिंदुत्व संस्कृति के अनुसार धर्म क्या है। हिंदुत्व के अनुसार धर्म एक रहस्य है, संवेदना है, संवाद है और आत्मा की खोज है। धर्म स्वयं की खोज का नाम है। धर्म है जन्म, मृत्यु और जीवन के चक्र को जानना। धर्म है ज्ञान को प्राप्त करना। हिंदुओं ने धर्म को इसी रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिंदुत्व की जो शिक्षा है उसका सही सार्थक अर्थ किस रूप में लिया जाता है। हिंदुत्व में दी जा रही शिक्षा ही सही मायने में धार्मिक शिक्षा मानी जा सकती है। तभी तो एक न एक दिन झुकने की बात कही है नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांस के राइटर। किसी भी प्रकार के छद्म या छंद नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में किसी दूसरे पंथ के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई। हिंदू धर्म की संपूर्ण शिक्षा का आधार है चार बातें: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म ग्रंथों से
क्या सीखता है हिंदू, आज हम इसकी भी बात इसमें करते हैं। अपने धर्म को पढ़कर हिंदू ये बातें सीखता है, कौन कौन सी, मोक्ष, ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्मांड, पूर्व जन्म, सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, न्याय, प्रेम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रहस्य, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात मोक्ष। अब हम मोक्ष का इसको थोड़ा सा इसका जो अर्थ है उसमें जाते हैं, क्या है मोक्ष। है धर्म का आधार, क्योंकि ये लास्ट स्टेज इसके अंदर बताई गई है। हिंदुओं का संपूर्ण धर्म, दर्शन, यम, नियम, मंदिर, आश्रम, अखाड़े, संस्कार, गुफा, पंथ आदि सभी मोक्ष के लिए रचे गए हैं, बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेप इन द हिंदुत्व। मोक्ष के कई मार्गों का प्राचीन ऋषि मुनियों ने निर्माण किया है। मोक्ष को जैन धर्म में कैवल्य और बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। अलग अलग इसके शब्द या पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं कि दुनिया को हिंदुत्व ने या हिंदुओं ने क्या दिया। प्रायश्चित करना, यदि कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित की जो एक पद्धति, ठीक है, जिसको कन्फेशन, कन्फेस करना बोलते हैं, दीक्षा देना, मुंडन संस्कार, परिक्रमा करना, बिना सिले श्वेत यानी सफेद वस्त्र पहनकर संध्या वंदन करना और पांच वक्त की प्रार्थना करना, तीर्थ करना, संध्योपासना, शौच और शुद्धि, जप माला फेरना, व्रत रखना, दान पुण्य करना, पाठ करना, श्राद्ध करना, सेवा करना, धर्म प्रचार, 16 संस्कार आदि, ये सभी हिंदू धर्म की दुनिया को देन है। प्रत्येक धर्म में यह नियम किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे, और कोई जरूरी भी नहीं कि सारे वहां मिलेंगे, बट हिंदुओं में, हिंदू धर्म के अंदर ये सारे आपको मिलेंगे। इसमें से कुछ अंश आपको एज इट इज देखने के लिए अदर जो कल्चर है वहां आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सनातन पथ क्या है। हिंदू धर्म को जानने और समझने के लिए वेद, उपनिषद और गीता पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए भी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समय समय पर ये सेगमेंट अब इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि अब लगता है कि शायद अब विश्व की डिमांड भी है और अपकमिंग जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है उसको इसका ज्ञान भी होना चाहिए। यही इस धर्म के धर्म ग्रंथ है, कौन कौन से, वेद, उपनिषद और गीता। गीता हम ऑलरेडी श्लोक वाइज आपको दे रहे हैं और इसके हम लास्ट में आपको लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे आपको श्लोक नंबर और लेसन वाइज बिल्कुल वर्ड टू वर्ड विद मीनिंग हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में गीता के श्लोक आपको मिल जाएंगे। वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता, इसके अलावा ब्रह्म, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा के अलावा स्वयंभू, मनु, 11 प्रजापति, स्वरोचिस, उत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुक्ष और फिर वैवस्वत मनु, सप्तऋषि सहित ऋग्वेद की ऋचाओं को लिखने वाले लगभग 414 यानी 414 ऋषियों के जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए सनातन पथ और हिंदुत्व को प्रॉपरली जानने के लिए। आज के इस सेगमेंट की इस क्लास को हम यहीं पर वीडियो को यहीं अब कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ इसी सेगमेंट में।